क्वांटिटी एक्सीड कर रही है सर तब, जैसे मान लीजिए प्लास्टर की क्वांटिटी थी मान लीजिए दो जितना भी था उससे ज्यादा एक्सीड हो रहा है सर, तब क्या होगा? उसे हम वेरिएशन बोलते हैं, उसे एक्स्ट्रा आइटम नहीं बोलते हैं। अच्छा, हाँ, उसे बोलेंगे वेरिएशन, आइटम चेंज नहीं वो बाद होगा में आएगा ना। अभी। हाँ, वो बाद में आएगा। ओके, ठीक है, क्वांटिटी आइटम सेम है, क्वांटिटी एक्सीड कर रही है बस। एक्सीड कर रही है, दैट इज कॉल्ड वेरिएशन। अगर अगर ओके, हम वेरिएशन वर्ड यूज करते हैं तो वेरिएशन का मतलब होता है हाँ, क्वांटिटी वेरिएशन, नॉट प्राइस क्वांटिटी वेरिएशन। वेरिएशन। ओके, हाँ, और अगर हम प्राइस वेरिएशन की बात कर रहे हैं तो उसके लिए अलग टर्म है, उसे बोलते हैं एस्केलेशन। एक समझे? सेकंड सर, लिख लेते हैं ये दोनों वर्ड्स। हाँ, वेरिएशन का हो गया, क्वांटिटी वेरिएशन, उसमें भी और कंडीशन दूसरा क्या है, बोले? उसमें भी कंडीशन है कि वेरिएशन वेरिएशन तो है, लेकिन क्लेम कब लोगे बिल में? बिल में क्लेम लेने वाला भी, जो बिल में आप क्लेम नहीं ले सकते हो अगर आपका आइटम बढ़ गया, फिर भी उसमें कंडीशन होती है, वो मैं फ्यूचर में बताऊंगा आपको, फ्यूचर क्लासेस में। और जो एस्केलेशन होता है वो मतलब प्राइस में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक तो है, मटेरियल के रेट चेंज हो रहे हैं, लेबर रेट चेंज हो रहे हैं, तो उसे एस्केलेशन बोलते हैं, या पूरा आइटम रेट ही चेंज हो रहा है तो उसे एस्केलेशन बोलते हैं। ठीक है। ओके, ठीक है, वो भी एस्केलेशन भी जब ही क्लेम होता है, जब ऐसा नहीं कि एस्केलेशन हो रहा है तो क्लेम कर दिया, वो भी उसमें भी कंडीशंस होती है, वो मैं बताऊंगा। एक्स्ट्रा आइटम आपको क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। क्लियर है ना एक्स्ट्रा आइटम?